सकारात्मक पत्रकारिता से सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के 9वें वर्ष में राम जानकी संस्थान RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस लेकर आ रहा है। मीडिया का विकल्प पॉजिटिव मीडिया देने का ये प्रयास कितना सफल होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन RJS के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना के नेतृत्व की साख पिछले 8 वर्षों से सकारात्मक रही है। आने वाले 8 अगस्त 2023 को लोकार्पित होने जा रही पुस्तक अमृतकाल का सकारात्मक भारत इस आंदोलन का दस्तावेज होगी। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही RJS PBH की टीम भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिर्देशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी से मार्गदर्शन लेने पहुंची। इस अवसर पर अमृतकाल में भारत पुस्तक के लेखक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने अमृतकाल में सकारात्मक पत्रकारिता को महत्वपूर्ण बताया। सकारात्मक भारत उदय आंदोलन के सूत्रधार उदय मन्ना और सहयोगी सोमेन कोले ने प्रोफेसर द्विवेदी को शॉल और पटका ओढ़ाकर राष्ट्रीय ध्वज RJS की स्मारिका और योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया की पुस्तक भेंट की। इस अवसर पर प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने अपनी पुस्तक अमृतकाल में भारत और राष्ट्रीय ध्वज RJS PBH टीम में शामिल उदय कुमार मन्ना, सोमेन कोले, अशोक कुमार मलिक, राजेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रखर वार्षने और प्रशांत यादव को प्रदान किए। प्रतिनिधि मंडल आज आपसे मिला और आगामी प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट भी है और क्या कहना चाहेंगे जो मुहिम RJS छेड़े हुए? सकारात्मक पत्रकारिता के लिए RJS की जो मुहिम है मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इनके अनेक कार्यक्रमों में जाने का मुझे अवसर मिला और मुझे लगता है कि उदय कुमार मन्ना जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक सकारात्मक भारत बने, एक सुंदर भारत बने, एक बेहतर भारत बने, अच्छा भारत बने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सकारात्मकता की बहुत ज़रूरी है। बिना सकारात्मकता के समाज में न संबल पैदा हो सकता है, न शक्ति पैदा हो सकती है, न लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। और नकारात्मकता की जो राजनीति है, नकारात्मक जो विचार हैं, वो अंततः समाज को तोड़ने का काम करते हैं, भटकाने का काम करते हैं। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव में जब हमारा अमृतकाल चल रहा है, हमें आने वाले 25 वर्षों में इस देश को समर्थ बनाते हुए, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हुए आगे बढ़ना है, भारतीयता की भावना को प्रखरता के साथ लोगों के मनों में स्थापित करना है। और हमारी एक ही पहचान है, सबसे पहले भारत, हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हमारी कोई भी पहचान होगी। और मुझे लगता है अगर इस भावना के साथ हम काम करेंगे, राष्ट्र प्रथम देश प्रथम की भावना के साथ हम काम करेंगे, तो भारत को एक श्रेष्ठ और महान राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। सर एक अंतिम सवाल, IIMC कहा जाता है कि पत्रकारिता की खान है, RJS एक मुहिम छेड़े हुए पॉजिटिव पत्रकारिता की तरफ, तो कैसे एक संदेश अपने स्टूडेंट्स या बाकी जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनको आप देना चाहेंगे पॉजिटिव? देखिए, मुझे लगता है अगर सकारात्मकता के साथ हम जीवन जीते हैं तो बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और पत्रकारिता भी अगर सकारात्मकता के साथ की जाए, संवाद सकारात्मकता के साथ किए जाएँ, तो दुनिया की हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो संवाद के क्षेत्र में सकारात्मकता की और अधिक आवश्यकता है। सकारात्मक संवाद न होने के नाते, अच्छे विचार न होने के नाते जो है दुनिया भर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़े पैदा होते हैं, और इसलिए हमें सकारात्मक व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और दुनिया का कोई भी संकट ऐसा नहीं है जो संवाद के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हल नहीं हो सकता। अगर हम अच्छे विचारों के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं हल हो रही हैं और लोग आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। 6 अगस्त के राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें अमृतकाल का सकारात्मक भारत ये किताब लॉन्च हो रही है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 150वां अंक होगा, उसमें आपको क्या शुभकामनाएं हैं? देखिए, मेरा मानना है कि RJS बहुत बड़ा काम कर रहा है लोगों को जोड़ने का, और अपने आयोजनों के माध्यम से जिस प्रकार की जनचेतना पैदा करना, जिस प्रकार से पत्रकारों को, साहित्यकारों को, लेखकों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है। और अपने पत्रों, पत्रिकाओं, किताबों के माध्यम से जो एक संकलन भी हो रहा है अच्छे विचारों का, वो भी बहुत ज़रूरी है। इन विचारों से आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा लेंगी और एक नए सुंदर समर्थ भारत के निर्माण में आपका योगदान हमेशा रेखांकित किया जाएगा। जय हिंद, जय हिंद। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, भारतीय जनसंचार संस्थान के कैंपस में RJS पॉजिटिव मीडिया फैमिली आई है, क्योंकि आप जानते हैं कि IIMC के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी से हम लोग मार्गदर्शन लेकर सकारात्मक पत्रकारिता में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करने जा रहे हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी से आज एक सकारात्मक चर्चा हुई इन विषयों को लेकर कि अमृतकाल का सकारात्मक भारत ये पुस्तक
आरजेएस पीबीएच की आ रही है, राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। पूरे देश में नौवें वर्ष में सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत अभियान चला रहे हैं और 6 अगस्त रविवार के दिन 2023 में राजेंद्र भवन ऑडिटोरियम नई दिल्ली में ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में ये किताब का लोकार्पण होगा। तो मार्गदर्शन सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत के लिए हम लोग इस चर्चा में भाग लिए थे। प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी के सानिध्य में बातचीत हुई है। इस वक्त आरजेएस के स्पोक्स पर्सन जो हैं अशोक कुमार मलिक जी, जो कवि हैं और सकारात्मक भारत आंदोलन के सूत्रधार में दो व्यक्ति जो परिवार के साथ इस आंदोलन को 9 साल तक प्रवेश किए, सोमेन कोले जी, उदय कुमार मन्ना भी मौजूद रहे इस बैठक में। और सकारात्मक बैठक में राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी उपस्थित रहे। हम लोगों के मीडिया प्रभारी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं और प्रशांत यादव जी कैमरे के पीछे हैं। प्रखर बारशने जी को मीडिया प्रभारी 6 अगस्त के लिए बनाया गया है ताकि 4 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग सफल करें, 6 अगस्त का कार्यक्रम देश को एक दिशा दे। मैं चाहूँगा कि आरजेएस के जो आंदोलन शुरू किए सकारात्मक पत्रकारिता, सकारात्मक भारत, सोमेन कोले जी, आप अपने विचार व्यक्त करें। मैं सोमेन कोले हूँ, उदय मन्ना जी हैं। तो हम दोनों 2015 साल में ये जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया है, आरजेएस पीजेपीएस केवीएस के का। तो 8 साल में जो हम लोग सोच के इसको शुरू किए थे, आज उस जगह को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। जो हम लोग को उस टाइम में हम लोग को उम्मीद था उसको हम लोग क्रॉस किया है। तो हमारा यही उम्मीद है जो 6 अगस्त जो प्रोग्राम होगा इसको बरम पैमाने पे एकदम ले जाना, यही है। जो राम जानकी संस्थान का पॉजिटिव मीडिया और राम जानकी ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो 6 अगस्त को शुरू होने वाला है, इसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और एक हम लोग की 6 अगस्त को बुक भी आएगी जो कि सभी को डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसमें सारे हमारे 150 कार्यक्रमों का वो रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगी। और सभी जो है अच्छी तरह से हम आएँ और हमारी शुभकामनाएँ हैं। और हम निवेदन करते हैं कि भारत के कोने कोने से सारी लोग आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। आरजेएस के स्पोक्स पर्सन बनाए गए हैं अशोक कुमार मलिक जी, जो कि कवि हैं। आई एम सो ग्लैड दैट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया स्टार्टेड विद ए ग्रेट विजन एंड इन फैक्ट विद ए विजन दैट वाज सोरली नीडेड बाय आवर सोसाइटी एंड आवर सोसाइटी इज डेफिनेटली वेरी ग्रेट ancient, one of the ancient societies, continuing with traditions which are alive today. And RJS positive media has chosen to assimilate all our timeless heritage with modern thinking also. And we are going to have a very gala ceremony, I would say. And we will be launching a very important book which will be documenting all the efforts that have gone into this concretizing this vision. And it will be a wonderful program with the launch of a book and with the launch of the in a formal way this positive broadcasting house. एंड दिस इज़ ये प्रांगण है इतना, जहाँ पर हम मिलने, जैसे मना जी ने भी बता दिया है। और ये बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और 6 अगस्त जो है भारत में सकारात्मक पत्रकारिता का एक मील का पत्थर साबित बने, उसके लिए संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं सभी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली जो भी हैं। और 4 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जी, आरजेएस के एडवाइज़र और आरजेएस के ऑब्जर्वर दीपचंद्र माथुर जी उपस्थित होंगे। इसके साथ और भी प्रभारी अन्य राज्यों से जो आ रहे हैं उन सब के बीच जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रखर बारशने जी को दी गई है। और आप सभी इसके सफलता की कामना कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।